उपस्थित हैं एग्जाम टोर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग डीएलएड पर चर्चा करेंगे, यानी कि डीएलएड में आपका कम अंक है, आपका बहुत कम है, फिर भी सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। यदि आप 15 मुख्य बिंदु पर आप ध्यान देंगे तो आप सफल होंगे और आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। इसमें हम चर्चा करेंगे ओरिजिनल कट ऑफ का, यानी कि मेरे द्वारा जो सर्वे कराया गया 20,000 प्लस विद्यार्थियों के साथ, उन सभी के साथ बातचीत हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी से जाकर मैं मिला, बहुत सारे शिक्षक लोगों से मिला, सभी से मिलने के बाद अब ये कट ऑफ भी जारी करेंगे। और आपसे बता दें, यदि आपका डीएलएड में ये कट ऑफ के अनुसार आ रहा है तो आप समझ लें कि फर्स्ट राउंड में भी आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान पूर्वक क्या क्या बात पर ध्यान देना है, मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले बता दें, जो प्रश्न का स्तर था वह अच्छा था, खराब नहीं था, यानी कि लेवल का था। सबसे बड़ी बात यह हो गया कि किसी एक टॉपिक से उठाकर कई एक प्रश्न डाल दिए जाते थे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या मैथ्स या रीजनिंग, कोई भी हो, वहां से डाल दिया जाता था। इससे समस्या क्या होता था, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि उस टॉपिक को अच्छा से पढ़े थे तो सभी प्रश्न बना देते थे, जो विद्यार्थी उस टॉपिक को नहीं फुलफिल किए थे उनसे नहीं बनता था। तीसरी बात आप जानेंगे कि जो आपका ये पहली बार एग्जाम हो रहा है, और पहली बार एग्जाम के बाद भी, और वो भी ऑनलाइन हो रहा है, आप जानते हैं 14 सितंबर से आपको 20 तक चला, यानी कि 7 दिन में 21 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। इस बात को समझेंगे, इस बार सीधी नामांकन नहीं होगा। सीधी नामांकन कहने का अर्थ हुआ कि पहले जैसा होता था आपका नंबर बेस पर, इस बार नंबर बेस पर नामांकन नहीं होगा। ये आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसको मैं समझाऊंगा बहुत जबरदस्त तरीका से कि आपका इससे कम अंक आ रहा है फिर भी आप कैसे आप पा सकते हैं सरकारी कॉलेज। इससे 10 अंक भी कम आए, इससे 20 अंक भी कम आए, फिर भी आपको सरकारी मिलेगा, उस बात पर ध्यान देना है। दूसरी बात आप समझे, ये जो भी सीट होता है, जो भी सीट क्या है, कुल सीट की बात करेंगे तो 30,500 सीट है। इसमें यदि सरकारी कॉलेज की बात करेंगे तो आपको 59 कॉलेज है, यानी कि 59 कॉलेज है। और इसके बावजूद जो 306 टोटल कॉलेज है, जिसमें 59 कॉलेज सरकारी है, उसमें कुल सीट की बात करेंगे तो 7,920 सीट है। और आप आ जाइए 247 जो है आपका प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें यदि कुल सीट की बात करेंगे तो 22,000 प्लस, यानी 22,630 के आसपास आपका आएगा। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं इसे ध्यान पूर्वक समझे, यदि कुल कॉलेज की बात करें तो 306 कॉलेज है, कुल सीट की बात करें तो 30,500 है, इसमें से 50% सीट आपका साइंस के लिए रिजर्व रहता है, यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी के लिए। लेकिन आप इंट्रेंस का जब पैटर्न देखेंगे तो दोनों को इक्वल करने का, जो आपका सिलेबस है वह बराबर करने का बहुत महत्वपूर्ण तरीका अपनाया गया है। इसलिए ये नहीं है कि इसमें साइंस वाले ज्यादा हो जाएंगे, आर्ट्स वाले कम होंगे, ये सब नहीं है। आप ध्यान पूर्वक सुने, साइंस का 50% सीट रिजर्व है, बाकी बचा जो आर्ट्स और उर्दू के लिए है, आप समझ लें। अब आए यहां पे थोड़ा सा समझें, आपको एक रैंक कार्ड दिया जाएगा, और उस रैंक कार्ड में क्या होगा, उस रैंक कार्ड में ये होगा कि आपका स्कोर कितना है, आपका अपने कैटेगरी में कितना रैंक है, और आप जनरल में कितना रैंक लाए हैं, ये सब उससे जानकारी मिलेगा आपको। और एक बात बता दें, एक कट ऑफ दिया जाएगा मात्र, आप देख लें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे, रिजल्ट जो आएगा 25 से 30 दिनों में मिलेंगे, यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात देखें, जब रिजल्ट आएगा, जिस तरीका से बीएड का आता है, जिस तरीका से सबका आता है, आपको आंसर की भी देखने को मिलेगा, और उस आंसर की को लेकर एक सप्ताह का समय मिलेगा। यदि आप किसी भी आंसर में, जैसे आप फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम दिए 14 तारीख को, तो फर्स्ट शिफ्ट का संपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके, आप कौन टिक किए, कौन सही है ये भी रहेगा, कौन सा गलत किए। यदि आपको आपत्ति लगे, यदि आपको लगे कि नहीं आप जो सही किए हैं वह सही है, तो आप दावा कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन देना रहता है, यदि आपका आपत्ति सही है तो आपका अंक बढ़ेगा। दूसरी बात देखें, ये स्कोर जो कार्ड होगा वह
आपको कितना अंक आएगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, मैं ये भी बताऊंगा। रैंक स्कोर ये क्या दिया जाएगा, ओवरऑल जनरल ओबीसी सबका रहेगा। कॉलेज चॉइस ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, आपको 20 कॉलेज का लिस्ट दिया जाएगा, उसमें आपको चुनना होगा। मेन काम यही है, यदि आप कॉलेज सही से चुन लिए तो आपका कम अंक होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप कॉलेज सही से नहीं चुन पाए तो अच्छा अंक होने के बाद बावजूद भी आपका प्राइवेट में एडमिशन हो सकता है। तो इसे देखेंगे, कॉलेज चुनने में क्या क्या प्राथमिकता देना है इस बात को भी समझेंगे। और एक बात आपसे बता दें, यदि बीएड के बारे में या डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पल पल का चाहिए, एक एक मिनट का चाहिए, तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या क्या है, अब प्रश्न का स्तर, तो प्रश्न का स्तर ठीक था। उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति भी ठीक था। तैयारी की बात करेंगे, यानी कि जो विद्यार्थी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो विद्यार्थी डीएलएड का जब फॉर्म आया उसी समय से कोर्स लेकर या कई माध्यम से तैयारी करते हैं, तो उनका थोड़ा सा एग्जाम अच्छा गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दुकान चलाते हैं, जो कोई काम करते हैं लेकिन फॉर्म भर दिए हैं, उनको एग्जाम देना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो अपने परिवार के दबाव में एग्जाम दे रहे हैं। ये सब को लेकर कट ऑफ निर्धारित किया गया है, संपूर्ण जानकारी आप लेंगे। पहली बार एग्जाम हुआ है इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ डाउन भी रहेगा, ये बात आप समझेंगे। देखिए अब क्या, साइंस के लिए ये सब आप सुन लिए हैं, मैथ हिंदी रीजनिंग साइंस और आपका है रिजल्ट 30 दिन में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछा गया इससे भी कम हो जाएगा। साइंस का वेटेज ज्यादा है ये बात आप समझते हैं। ज्यादा अंक लाने के बाद भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन कम अंक लाने के बाद सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, 15 नंबर मेरा जो पॉइंट है उसे आप देखने का प्रयास करें। एक से लेकर यदि आप 15 पॉइंट ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको जानकारी मिलेगा क्या है। मेरा सर्वे जो है 20,000+ स्टूडेंट के साथ है। यदि अब यहां पे आए और आप देखें, यदि आपसे बता दें मैथ्स का 30 प्रश्न था, रीजनिंग का 30 प्रश्न था, साइंस का 20 प्रश्न था, हिंदी का 30 था, सोशल साइंस का 20 था और ये इंग्लिश का, तो ये सभी को जोड़ देंगे तो 0, 3, 2, 5, 5, 3, 3, देखिए यहां से 3, 3, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 2, ये 15 हो जाएगा, यानी कि 150 टोटल प्रश्न थे, आप देख सकते हैं। एक प्रश्न की बात करेंगे तो 3 अंकों का था, यानी कि 450 अंक कुल आपका एग्जाम का होगा। अब अंक की बात करें और आपसे बता दें, आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। यदि आपका 60 से 62% ज्यादा आ रहा है, यदि 62% अधिक आ रहा है तो आप समझिए कि आपका एकदम सरकारी कॉलेज मिलेगा और जनरल में जनरल का जो रैंक होगा उस तरीका से आपका रैंक आएगा। दूसरी बात आपसे बता दें, यहां से ध्यान पूर्वक देखें, 60 से 62% का अर्थ हुआ कि आपका यदि 270+ आ रहा है, यानी कि 260+ भी आ रहा है, तो आप टेंशन मुक्त रहें। अब कहने का अर्थ क्या हुआ कि निगेटिव भी है, उसके बाद आप यदि सही से हल नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी समस्या है। एक टॉपिक से ज्यादा प्रश्न दे दिया, ये बच्चे लोगों को समस्या का खड़ा कर दिया। दूसरी समस्या, खासकर बिहार विद्यालय बिहार के विद्यार्थियों के लिए ये इंग्लिश का समस्या हो गया, तो इसमें भी कम अंक आएंगे। इसके बाद अब आप देखिए क्या है, कैसे है, किस प्रकार से कट ऑफ निकाला गया है। यदि आप जनरल स्टूडेंट हैं, यदि आप अंक ला रहे हैं तो आपको जनरल में स्थान मिलेगा और ये पहली लिस्ट में, यानी कि प्रथम लिस्ट में आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। इस बात का मैं दावा ही नहीं, 100% कह रहा हूं। यदि आप ये सब काम सही से कर रहे हैं, कॉलेज चूज करने में आप सही से ले रहे हैं, कॉलेज आपको चूज करने का मौका मिलेगा, कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप एक फॉर्म के अनुसार यानी ऑनलाइन माध्यम से, तो उसमें यदि आप सब कुछ सही करते हैं तो आपके लिए जबरदस्त होगा। कम अंक के बावजूद भी आप आ सकते हैं सरकारी कॉलेज में। दूसरी बात आप समझेंगे, A to Z जानकारी दिया जाएगा, कैसे कॉलेज चूज करें, क्या है, उसके लिए अंत तक बने रहेंगे वीडियो में। आइए, जनरल का कट ऑफ जो है, यदि इस किसी भी विद्यार्थी को 270+ आ रहा है, यानी 270 कहने का अर्थ हुआ कि एक अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए 3 अंक, तो आप जोड़ लें 270 जिनका आ रहा है उन विद्यार्थी के लिए, यानी कि 90 क्वेश्चन सही है, वह विद्यार्थी 100% आप जनरल में पार करेंगे। इस बात को समझे। यदि बीसी की बात करें तो 260+ आपका है तो आप देख सकते हैं, 250+ भी है तो आपका काम चलेगा।
ईबीसी की बात करें तो 250 से 40 प्लस है। देखिए ये मैं जो निर्धारण किया हूँ ये थोड़ा सा बढ़ा के निर्धारण किया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि जो जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो 5 अंक 10 अंक 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर बनाएंगे आपसे। इस बात को आप समझते हैं, जो कई एक साल से जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका अनुभव है, जो बच्चे लगातार एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे कई सारे एग्जाम को फेस किए हैं, वह जरूर 5 प्रश्न 4 प्रश्न एक्स्ट्रा बना लेंगे। इस बात को भी आप समझिएगा। अब ईडब्ल्यूएस की ईबीसी की बात करेंगे तो 250 प्लस है तो आप कंफर्म रहिए, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 240 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, एससी की बात करेंगे तो 200 प्लस है तो आप फिट रहिए, यदि एसटी की बात करेंगे तो 220 प्लस होना चाहिए या 210 भी प्लस है तो आप सेफ जोन में है, आपको फर्स्ट यानी कि पहला जो लिस्ट आएगा उसमें आपको सरकारी कॉलेज संभावना मैक्सिमम रहेगा। संभावना मैं कह रहा हूं, संभावना इसलिए कह रहा हूं कि आप यदि रिजल्ट पर, आप यदि स्कोर कार्ड को देखकर यदि आप कॉलेज सही से नहीं चुनते हैं तो ये आपका समस्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यदि आप पीएच हैं और पीएच से आप आते हैं तो 180 प्लस यानी कि 190 आ रहा है, 180 आ रहा है तो भी आपका सही है, यानी कि 60 क्वेश्चन यदि आप सही कर दे रहे हैं तो ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, वैसे विद्यार्थी जो 65 क्वेश्चन से ज्यादा और आपसे बता दें 90 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर रहे हैं वह अच्छे हैं, लेकिन ध्यान देंगे ये जो होगा आपका कैटेगरी के लिए, ये जो होगा जनरल के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें, वैसे विद्यार्थी जिनका 100 प्लस भी सही हो रहा है वो भी बहुत बेस्ट है, वैसे विद्यार्थी बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस तरह का बात क्यों मैं बोल रहा हूं, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी बीएड कर चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इससे पहले डीएलएड कर चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से बीएड डीएलएड करते हैं, जिसके कारण आपको ये अंक देखने को मिल रहा है, नहीं तो इससे भी हाई जाता। एक और कंडीशन ये है कि पहली बार एग्जाम के द्वारा लिया जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात समझे, जो लोग यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन या जो हो मार्गदर्शन देते थे उसके विपरीत प्रश्न आ गया, ये भी एक मुद्दा है। तो इन सबको देखने के बावजूद ये लग रहा है कि यदि आप इतना सही किए हैं तो आपका सही है, अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात देखेंगे, एक पॉइंट और आपसे बता दें कि यदि आप कॉलेज सही से चुन लिए तो आप ठीक हैं, यदि कॉलेज सही से नहीं चुन पाए तो समस्या होगा। कॉलेज चुनने में अब मेन आपके पास कला होना चाहिए, या आप जहां से जा रहे हैं तो कॉलेज चुनने के लिए मैं एक संपूर्ण जानकारी, कैसे कॉलेज चुने, किस प्रकार से कॉलेज डालें, पहले किसको प्राथमिकता दें, दो नंबर पर किसको दें, तीन नंबर पर किसको दें, 20 से 10 या 15 भी रह सकता है या 30 भी रह सकता है, 1 से 30 तक कॉलेज चुने जो दिया जाए, उसके अनुसार मैं वीडियो आपको कल लेकर आऊंगा डीएलएड पर। इसलिए आप कट ऑफ देख लें, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करिए, ये आपका चैनल है। जय हिंद, जय भारत।